Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम फिर से Minecraft की एक मस्त वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और ओ तेरे, ये आप क्या कर रहे हो चपाती भाई? ओ पीछे उसको देख लो भाई, वो क्या एडमायर कर भाग गया भाई, भाग गया। आप जैसे ही गाइस चपाती भाई मुड़े वो भाग गया। तेरे को तीर कमान पड़ने वाला है मेरे भाई, तू भाग गया। ना बोल रहा है, रहने दो भाई, ना बोल रहा है वो। ओके, तो ये है मेरे उड़ने वाला तरीका। तो ऑब्वियसली गाइस आपको पता है कि Minecraft के अंदर जो है ट्रेनिंग तो कर रहे हैं। अगर ये सारे जंप करेंगे तो मतलब कि मेरे को उड़ने का मौका मिलेगा। लेट्स गो। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा भाई, उल्टा आप नीचे हो जाओगे। चलो भाई ट्राई करके। भाई साहब कैसे स्पीड में जा रहे हैं यार ये, देख रहा है भाई वो पीछे मुड़ के आगे जा रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। जंप कर लो, भी घेर लो, लोगे घेर लो। रहने दो भाई, रहने दो। एक बार भाई मुझे पता है भाई ये कैसे जंप मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले क्रिएटिव में जाना पड़ेगा। भाई साहब क्या कर रहा है तू भाई? तो अभी अगर मैं यहाँ पर मैग्मा समन करूँ तो ऑब्वियसली गाइस आप सबको पता है कि मैग्मा फ्रॉग को पसंद ही नहीं है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर, तेरी भाई बड़े वाला आ गया, क्या कर रहा है? मेरे फ्रॉग सारे दफन हो जाएंगे, क्या कर रहा है? हमें यहाँ पर छोटे वाला चाहिए, तो पहले मुझे इसको मारना पड़ेगा। सारे फ्रॉग मार रहे तूने, क्या पागलपंती है? देखो भाई अभी देखो ये कैसे जंप मारेंगे। जब जंप मारो जंप। अबे आप तो उनकी तरफ, उनको पूरा मैग्मा आपने खींच लिया भाई। खाते पीते फ्रॉग अपने। अभी देखियो ये बेसिकली हूवर है, ठीक है? तो अगर आपकी दुनिया के अंदर मैग्मा ब्लॉक्स ने हमला कर दिया तो मेरे पास हूवर रेडी है। ये देखो झाड़ू हमला। ओ भाई साहब एक्चुअली काम कर रहा है भाई। ये है हमारे माइनक्राफ्ट का झाड़ू। चपाती भाई क्या कर रहे हो भाई, वो कैक्टस साफ नहीं कर सकता। ऑलरेडी क्रिएटिव में खेल रहे हो। अबे देखियो भाई उड़ता हुआ हुआ आ रहा है। आपको पता ना भाई, आप जैसे ही नीचे लैंडिंग मारोगे सारे मरेंगे। ये नहीं हो सकता। अरे होगा भाई, एक काम करो, अब ये चिकन के साथ ट्राई करो। आराम से आता हूँ, आराम से लैंडिंग हो रही है हमारे फ्रॉग्स। जाएंगे भाई सारे फ्रॉग्स माइनक्राफ्ट के, जाएंगे भाई आराम से। ओ तेरे भाई चपाती आपने मार दिया भाई, आपने अपना पोर्टेबल झाड़ू भाई पूरा तोड़ दिया। यार मैंने कितनी मुश्किल से झाड़ू बनाकर रखा था यहाँ पर। मैग्मा बच गए सारे। जो भाई एक काम करते, पहले मैग्मा ब्लॉक्स को यहाँ पर मार देते हैं। ये इन्हीं की वजह से मेरा झाड़ू आज तबाह हो चुका है। ये वाला छुपने की कोशिश कर रहे हैं भाई, हाइडेंसी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनीवेज चलो इसको छोड़ो भाई, आपने तो ऑलरेडी हमें एक टिकटॉक हैक दिखा दिया। अरे वाह क्या बात कर रहा है। लेट्स गो भाई, और आजो भाई अभी मैं आपको एक और टिकटॉक हैक दिखाता हूँ। सीरियसली? बिल्ड वाले हैक देखने हैं। अच्छा बिल्ड वाले हैक देखने हैं। आजो चपाती भाई मैं आपको बिल्ड वाला हैक दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको मेरे घर के अंदर आना पड़ेगा भाई। मेरे घर के अंदर घुसने के बाद खोलने की प्लानिंग तो नहीं है क्या तेरी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आजो चपाती भाई आप अंदर आजो। ये देख रहे हो भाई मैंने यहाँ पर मछली पाल के रखी है। ये तूने कैसे किया? देख रहे हो भाई हमारे, यही तो मेरे खतरनाक। आज चपाती भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हैक मैंने कैसे एक्सेक्यूट किया। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अरे ये रहा भाई, घर के पीछे आ चुका हूँ मैं। तो ये हम खुले में आज बाहर टेस्ट करेंगे ये वाला। let's go, तो बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस। सबसे पहले आपको अपना मनपसंद कलर का वाला ग्लास अब यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके नीचे आएगा चेस्ट, और इसके बाद आपको इसके साथ घेर लेना है ऐसे ट्रैप डोर, ठीक है ना? और इसके बाद आपको ये वाला ब्लॉक यहाँ पे तोड़ना है, और फिर आपको ये खोलना है ये वाला ट्रैप डोर, और ग्लास के ऊपर आपको ऐसे डालना है आइटम फ्रेम, और इसके नीचे जाएगा मैप। क्या बकवास कर रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ। गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको इसके बाद क्राउच करके ऐसे यहाँ पे पानी मार देना है, और ट्रैप डोर को करो बंद। और ये देखो आपकी मछली ग्लास भाई ग्लास ब्लॉक के अंदर। मछली बाहर कैसे आई? अच्छा वो पानी तो नहीं डाला था, पानी के अंदर मछली थी ऑलरेडी, मैं समझ गया। ये भाई बकेट वाली मछली है ऑब्वियसली, तो तभी गाइस ये मछली यहाँ पर आ चुकी है। ओके ये वाला बिल्डिंग वाला हैक मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये हम अपनी दुबई सिटी के अंदर जब वापस आएगी तो डेफिनेटली मैं ये हैक वहाँ पर यूज करूंगा। भाई अब इसके भाई इसको यूज करके आप बड़ा सा एक्वेरियम भी बना सकते हो, या घर के अंदर भी पाल सकते हो भाई। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। ये भाई यहाँ पर पूरा ऐसे बनाकर ना बड़ा पूरा एक्वेरियम बना देंगे वहाँ पर सिटी के अंदर। जो अभी अभी आप डबल चेस्ट रखते हैं, डबल चेस्ट चल ट्राई करियो। तो अभी अगर मैं यहाँ पे रखूँ ट्रैप डोर, और यहाँ पे रखूँ ग्लास, और अभी अगर मैं इसको ऐसे मार के देखूँ और यहाँ पे मारूँ पानी, तो अच्छा यार वो वाली मछली नीचे ही फंस गई, फंस डूब चुकी है ये तो। यार क्या बकवास कर रहा तू? अरे अरे आ गई नहीं, ये देखो भाई अभी ट्रैप डोर बंद करो, और भाई थोड़ा सा लीक गाइस यहाँ पर हो चुका है, थोड़ा सा लीक भाई, थोड़ा सा पाइप में चपाती भाई क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा सा पाइप में थोड़ा बहुत इशू हो चुका है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ एकदम से मस्त वाला काम कर रहा है। काम कर रहा है। अरे भाई वो इसलिए लीक हो रहा है क्योंकि मैंने पानी दो बार मारा है। नुबड़े कहीं गए। चल अभी मेरे को दूसरा वाला हैक दिखा। ये वाला एक्चुअली मेरे को बहुत देख रहा है ऊपर से, वो देख रहा है भाई, देख रहा है। रहने दो भाई, रहने दो। तो अभी मैं आपको एक स्केरी हैक बताने वाला हूँ। ओके तो इसके लिए गाइस आपको निकालना होता है स्पाइडर, और उसके बाद आपको निकालना है इनविजिबिलिटी का पोशन। भाई ये स्पाइडर वाला हैक हम आई थिंक लास्ट वाली वीडियो के अंदर कर चुके थे। उस वाले हैक के अंदर तो हमने ये देखा था कि स्पाइडर ये दुनिया कैसे देखता है। ओ ये मैं समझ गया, अभी क्या करने वाला तू? बहुत ज्यादा सिंपल है। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर चेंज करना है टाइम सेट नाइट के अंदर, तो ये मैं यहाँ पर 20,000 कर लेता हूँ। इनके ऊपर
पर इनविजिबिलिटी वाला पोशन मारेगा और तब भी उनके बावजूद इनकी आंखें दिखेंगी। अच्छा ये है, आपको पता है क्या ऑलरेडी देखा था? भाई कितना ज्यादा स्केरी लग रहा है यहाँ पे, एकदम खतरनाक है यार ये वाला हैक तो। गाइस जिन जिन को गाइस ये हैक नहीं पता था, भाई देख रहे हो गाइस ये कितना ज्यादा स्केरी लग रहा है। तो इमेजिन गाइस अगर आपको यहाँ पर कोई हॉरर मैप बनाना है हीरो ब्राइन वाला, तो गाइस अब ये इन्वेंशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अरे वो तो दीवार की ऊपर चढ़ गई ओए। अभी देख रहे हो गाइस, इमेजिन गाइस अब यहाँ पर आधी रात को बाथरूम के लिए उठे आप अगर आप 12 और आपको सिर्फ ये दिखता है दरवाजे के सामने, एक्चुअली स्केरी है। अगर हम ये क्रीपर और ज़ॉम्बीज के ऊपर ट्राई करें तो रुक जा अभी आ जाओ ट्राई। लामा वो देखो इनविजिबल आदमी आ चुका है भाई यहाँ पर, ये यहाँ पर पीछे आ चुका है। बाहर आना भाई, मिस्टर इंटरनी खेल रहे हम यहाँ पर। अबे ये देख रहे हो भाई, हमने तो गाइस गलती से भाई एक और यहाँ पर डिस्कवर यहाँ पर कर लिया। इसी को ट्राई कर क्रीपर के ऊपर। ओए यार क्रीपर के थे ये ले, क्रीपर के क्या टीएनटी का ब्लॉक देखेगा? अच्छा नहीं दिख रहा भाई, चपाती आप भी इनविन से अभी इनविजिबल हो गए। अभी ट्राई करते अपने फ्रॉग्स के ऊपर, लेट्स गो। ओए ये फ्रॉग यहाँ पर समन कर दो चपाती भाई। और ये ले, अरे मेरे भाई शलकर रख के देखते हैं। बकवास एक नंबर की कर रहा है। तो आप भी अगर शलकर के ऊपर मार दो भाई साहब, ये देखो शलकर का फेस रिवील यहां पर हो चुका है। अभी हमें पता लगेगा कि ये डब्बे के अंदर क्या करता सारा दिन। चिलिंग मारता है भाई, चिलिंग मारता है भाई इसका पूरा। गाइस हमने यहां पे शलकर एक्सपोज कर दिया, हम ये क्या कहते हैं माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर। अभी बता, अभी तोप मारना अपनी, अरे कुछ कर ही नहीं सकता ये, सर्वाइवल के अंदर जाके देखते हैं तो क्या ये तोप मार पा रही है, कुछ कर ही नहीं रहा है ये तो। अरे मार रहा, अच्छा मारता 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 है भाई, उसे सुन लिया। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी तोप एक्चुअली निकलती कहाँ से है, कहाँ पर छुपा कर रखी तूने बजूका मेरे भाई। रहने दो भाई, वो मुंह से थूके मारता है। तो ये वाला हैक भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। और अभी आज चपाती भाई मैं आपको एक और हैक बताऊंगा। भाई क्या बकवास कर रहा है, इसके बाद और भी है क्या? भाई अभी मैं आपको एक और हैक बताऊंगा। तो गाइस आप सबको पता है गाइस ये जो माइनक्राफ्ट के अंदर ये जो बोल्स होते हैं भाई, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है ये कैसे बनते हैं। कौन से बोल? ये जो कटोरे देख रहे हो भाई, एक्चुअली बनते कैसे हैं? आपको प्लैंक्स चाहिए, जैसे बकेट बनती है ना वैसे तेरे को प्लैंक्स रखने होते हैं आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मे बी इसकी रेसिपी होगी, लेकिन गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भाई बिना रेसिपी के आप ये चीज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कटोरियां? हाँ पता। ओके मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ता है टर्टल, तो टर्टल को मारो यहाँ पे। और गाइस माइनक्राफ्ट का मिथ ये कहता है कि अगर टर्टल के सामने यहाँ पर बिजली चमकेगी और अगर वो मर गया तो उसके अंदर से ये कटोरा निकलेगा। सीरियसली भाई कौन सा लॉजिक है भाई? तो अभी अगर मैं यहाँ पर गाइस लिखूं समन लाइटनिंग बोल्ट और साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो देखा अंदर से भाई कटोरा निकला तो सही भाई, अभी मैंने देखा लेकिन वो ग्लिच हो गया। काम करते इन्वेंटरी पूरी खाली करिए, ये वाला मैं यहाँ पर डिसअपीयर कर देता हूँ। और अभी अगर मैं फिर से मार के देखूं तो अच्छा अबे ड्रॉप कर ले, तो गाइस 100% यहाँ पर ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन गाइस इवेंचुअली गाइस अगर मैं यहाँ पर मारता जाता हूं आई थिंक ये आ जाएगा। रेडी लोगी ये ले? हाँ मैं रेडी हूँ, ये लो भाई, काम ही नहीं हो रहा भाई, और मारते जाओ चपाती भाई, और मारते जाओ मारते जाओ। अरे भाई अरे कुछ तो ड्रॉप हुआ वहाँ पे, कहाँ पर है? अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो अरे यार आइटम ही डिस्पोन हो गई। एक काम कर तू, टर्टल के ऊपर खड़ा होकर बिजली मार, चल। हाँ ये सही आइडिया है भाई, अभी ट्राई करियो। तो अभी अगर मैं यहाँ पर मार के देखो, अरे आई थिंक भाई उसके थोड़ी साइड से मारनी पड़ती है, तो अभी अगर मैं यहाँ से मार के देखो तो देखा इसी के साथ ही गाइस यहाँ पर कटोरा आ चुका है। एक्चुअली काम कर ला भाई। हाँ मुझे पता है भाई काम कर रहा हूँ, अभी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। छह का पूरा सेट निकाल भाई, घर में कभी मेहमान आते हैं तो हमारे पास छह कटोरे होने चाहिए। समन करो छह टर्टल, समन करो यहाँ पे, एक भी नहीं हुआ। वो यहाँ पर छोटे वाले भी आ रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं था कि माइनक्राफ्ट के अंदर छोटे टर्टल भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये लो, अरे एक और कटोरा, अरे एक और निकला, लेट्स गो, उठालो उठालो उठालो। तू तो बहुत जालिम हो चुका है यार, कटोरे ही तो है भाई ये, लेकिन ये नकली टर्टल्स है भाई, अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो थोड़ी देर बाद डिस्पोन हो जाएंगे ये ऐसे भी। भाई साहब अरे लेट्स गो, यहाँ पर दो तीन और भी आ चुके हैं और मेरे पास चार तो आ चुके हैं चपाती भाई। पूरा सेट चाहिए मेरे को, छह का भाई, मारते जाओ। और ये रे दो और, ये तो चपाती भाई अपना सेट, एक मैं पानी में फेंक के आता हूँ हमारे माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।